दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। एक तरफ जहां भारत में लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेज को देखते हुए भारतीय क्रिकेट पूरी तरह से बंद है, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी से निपटने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के नामी सितारे सामने आए हैं, जिन्होंने पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए की डोनेशन दी है। इस महामारी से निपटने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए दान किए, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खिलाड़ी ने कितनी डोनेशन दी है और यहां पर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कितना पैसा डोनेट किया है। पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि जल्दी यहां पर इस महामारी से भारत का पीछा छूट जाए, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल भारत में कोरोना वायरस के 2500 से ज्यादा केसेज हो चुके हैं और 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और लगातार यह महामारी एक बहुत ही खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। और ऐसे में यहां पर भारत सरकार पूरी तरह से इस महामारी पर कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के नामी सितारों ने इस महामारी के खिलाफ होने वाली जंग के लिए करोड़ों रुपए की डोनेशन दी है। तो चलिए वन बाई वन बात करते हैं कि किस खिलाड़ी ने इस महामारी से निपटने के लिए कितने रुपए की डोनेशन दी है। तो यहां पर सबसे ज्यादा डोनेशन दी है बीसीसीआई ने, जिन्होंने 51 करोड़ रुपए इस महामारी से निपटने के लिए पीएम रिलीफ फंड में सम्मिलित किए हैं। उसके बाद दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने डोनेशन तो की है लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ नहीं बताया है कि उन्होंने कितने रुपए की डोनेशन की है, लेकिन सभी न्यूज चैनल्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि कप्तान विराट कोहली ने 3 करोड़ रुपए की यहां पर डोनेशन की है। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के प्रो ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर, जिन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्लस 1 महीने की सैलरी डोनेट की है, जिनमें से उन्होंने 50 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड में दिए हैं और 1 करोड़ रुपए प्लस 1 महीने की सैलरी पीएम रिलीफ फंड को दी है। उसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के वर्तमान ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा, जिन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए 80 लाख रुपए की बड़ी डोनेशन दी है, जिनमें 45 लाख रुपए पीएम रिलीफ फंड के लिए और 25 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड के लिए। उनके अलावा उन्होंने 10 लाख रुपए यहां पर प्राइवेट संस्थाओं को इस महामारी से निपटने के लिए दिए हैं। उसके बाद इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं सुरेश रैना, जिन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए 52 लाख रुपए की डोनेशन दी है, जिनमें 31 लाख रुपए उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में सम्मिलित किए हैं, वहीं बचे हुए 21 लाख रुपए उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में जोड़े हैं। उसके बाद इस लिस्ट में छठे नंबर पर आते हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, जिन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए 50 लाख रुपए के चावल की डोनेशन की है। उसके बाद इस लिस्ट में सातवें नंबर पर आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए 50 लाख रुपए की डोनेशन दी है, जिनमें 25 लाख रुपए पीएम रिलीफ फंड में जोड़े गए हैं और 25 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड में उन्होंने डोनेट किए हैं। उसके बाद इस लिस्ट में आठवें नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, जिन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए 50 लाख रुपए बीसीसीआई यहां पर पीएम रिलीफ फंड में जोड़े हैं। उसके बाद इस लिस्ट में नौवें नंबर पर आते हैं अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए 10 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड में जोड़े हैं। उसके बाद इस लिस्ट में दसवें नंबर पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, और अभी तक जो रिपोर्ट उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने केवल 1 लाख रुपए एक प्राइवेट संस्था को यहां पर दिए हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए अभी तक कोई डोनेशन नहीं की है। अगर उन्होंने की भी होगी तो उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की है। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी जब भी डोनेट करते हैं तो वो सोशल मीडिया पर इन बातों को नहीं बताते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक अच्छा अमाउंट यहां पर डोनेट किया होगा, लेकिन वो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातों को नहीं बताते हैं। तो दोस्तों ये है टॉप 10 खिलाड़ी जिन्होंने यहां पर इस महामारी से निपटने के लिए करोड़ों रुपए की डोनेशन दी है। इन 10 के 10 खिलाड़ी के ऊपर यार एक लाइक तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।